नमस्कार, मैं हूं मोहित वर्मा और आप ये लाइव सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। इस समय यमुनानगर के जगाधरी के एसडीएम कोर्ट के सामने से, और आप देख सकते हैं यहां जो नगर निगम के जो कर्मचारी है यहां पर ताबड़तोड़ जो यहां पर जो रेडी फड़ी जो लगाई हुई थी उसको उखाड़ते हुए, जो यहां पर बांस लगा करके जो छत बनाई हुई थी उसको उखाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव सीधी तस्वीरें। तो मेरा सभी से अनुरोध, जो भी इस खबर को देख रहे हैं लगातार शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाँ जी सर, क्या दिक्कत आ रही है सर? यहाँ पर सर मैं कम से कम 8-9 साल से काम कर रहा हूँ, मेरी रेड़ी लगती है पटियाला चिकन के नाम से, तो अंडे अंडे वगैरह की होगी। तो यहाँ से एक मरे जो उनसे जानकारी में है डीएल चौहान जी, उन्होंने सुनने में आ रहा है कि उन्होंने आरटीएफ डाली है कि सीएम विंडो में डाल देते हैं, हर 6 महीने बाद कोई ना कोई पंगा डाल देंगे। ठीक है सर, और हम गरीब बंदे कहाँ जाएँ? या मेरे पास दुकान हो, ठीक है, या भी सरकार मेरे लिए ऐसा कोई जुगाड़ करे। नहीं, वो सरकार भी क्या करे, हमने अपने कहने का भाविया है भैया, वो परेशान कर रहे हैं, खाली परेशान कर रहे हैं, सिर्फ परेशान कर रहे हैं जी। वो मैं सही बताऊँ ना भैया, इतना परेशान कर रहे हैं, पिछली बारी पुलिस वाले के पास भी क्या, ठीक है, यहाँ पर गलत काम होने देते, दारू पीने देते हम। तो कर्मचारी कुछ कह रहे हैं आपको? नहीं, वो तो सर उनकी तो ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी है सर, उनकी ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी है, वो सीएम विंडो में डालेगा, उनको ही परेशान कर रहे हैं, ये डीएल चौन कर रहा सर परेशान। तो आप देख सकते हैं लाइव सीधी तस्वीरें, जो यहाँ पर जो रेडी फड़ी और जो ये सरदार जी बता रहे हैं। आपका शुभ नाम जी? सर देविंदर सिंह सली नाम है मेरा। आपका क्या नगर निगम ने जब्त किया है? सर अभी तो सर मेजी है मेरा एक, ठीक है, मेरी रेडी लगती है शाम को 5 बजे बाद लगती है, लोहे का मेज लेके जा रहे हैं जी। तो देख सकते हैं आप जो लोहे का मेज है गाड़ी में, नगर निगम की जो गाड़ी यहाँ पर आई हुई है उन्होंने लाद लिया है। ऐसा इनको कहना है कि यहाँ पर बेवजह एक व्यक्ति है जिसका इनाम ले रहे हैं, जो शिकायत करता है, बेवजह परेशान करता है। देखिए वो भी बैठे हुए हैं उधर, उनको भी देखो कस कर दिया, अरे भैया उनकी तोड़फोड़ की है ना, उनकी देख पा रहे हैं आप तस्वीरें, लाइव सीधी तस्वीरें। मेरा सभी से अनुरोध, जो भी इस खबर को देख रहे हैं लगातार शेयर जरूर। हाँ जी हाँ जी, कहाँ तोड़ा है ये भैया? जो उनसे इनका ढाबा लगता था, ठीक है, ये भी गरीब बंदे हैं, अंकल 35-40 साल से। तो ये तो आपने पक्का किया हुआ है इस प्रकार? गरीब बंदे, ये देखो खाना बना रहे हैं, भेज कर रहे हैं, और इनकी ऐसी की तैसी कर दिया बिहारों की, और अभी इनका आधा आधा 500-700 मेरी सेल नहीं हुई है, और इतने का नुकसान हो गया इनका जी। और उधर वो चाय की दुकान है उधर, वो सामने चाय की दुकान तोड़ दी कमेटी वालों ने। भैया जो ये दिक्कत देख पा रहे हैं लाइव सीधी तस्वीरें जो यहाँ पर है, नगर निगम की तरफ से यहाँ पर जो सफाई अभियान यहाँ पर चलाया हुआ है, जो इनका कहना है कि यहाँ पर जो अवैध कब्जा जो यहाँ पर किया हुआ था, बाकी लोगों का कहना है कि हम लोग गरीब लोग हैं और हमारे साथ कोई व्यक्ति है जो इनके साथ नाजायज कंप्लेंट करता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे सर? बस सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ना ये गरीब बंदे कहाँ जाएं सर, यहाँ तो चलो ये दुकानें टूट रही है ना सर, यहाँ पर कोई लगा नहीं रहा अभी, ठीक है, मेरी रेडी लगती है 5 या 6 बजे के बाद, ठीक है सर, और उनमें ही चलती फिरती रेडी है एक तरफ की, 2 या 3 घंटे खोलता हूँ, ठीक है, मेरा भी सामान उठा दिया, सिर्फ हल्का सामान पड़ा था यहाँ पर, ठीक है जी, उनका उनका रोजी रोटी घोंस ली, ठीक है, ये क्या मिला उसको सर जिसने भी ये कंप्लेंट करी है? मैंने तो नाम भी ले दिया उसका जिसने करी है, आरटीआई डालता है जो उनसे, ये कोई बात नहीं सर। देख पा रहे हैं आप लाइव सीधी तस्वीरें कि जो ये लोग 400-500 कमाने वाले थे उनके खिलाफ जो बेवजह जो कंप्लेंट करके इनकी जो ये है कमाने खाने का है रोज का, जो खाना बेच करके कमाते हैं उनका ये उठाने का कार्य नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लाइव बुजुर्ग है 80 साल के। हाँ जी, नहीं जी क्या हो रहा है ये तोड़ रहे जी हमारे वे जी वे तोड़ रहे कमेटी वाले बाबा प्रधान वगैरह वो ये यहीं पर सोते हैं भैया 40 साल हो गए यहाँ पे। तो कब से दिक्कत आ रही है? ये दिक्कत आज ही आ रही, पहले भी तोड़ फोड़ हुई थी, पहले उन्हें कंप्लेंट करी थी हाँ जी, दरबारी लाल चौहान ने पहले कंप्लेंट, गरीब से क्या चाहते हैं, गरीब को रोटी खाने दो, ऐसे है घर बैठ जाते हैं और क्या, जो लोगों को आप देख सकते हैं ये जो बुजुर्ग हैं यहाँ पर डेली खाना और डेली कमाने का यहाँ पर ये काम करते हैं। आप देख सकते हैं जो अम्मा जी यहाँ पर बैठी है तो यहीं पर सोने का, यहीं पर सोते हैं, यहीं पर कमाते हैं और यहीं पर खाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को, आप देख पा रहे हैं लाइव सीधी तस्वीरें। मेरा सभी से अनुरोध, जो भी इस खबर को देख रहे हैं लगातार शेयर जरूर कर दीजिएगा। सीधी जो तस्वीरें देख रहे हैं आप एसडीएम कोर्ट जो ग्राउंड है उसके सामने की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर नगर निगम जो यहाँ पर जो कब्जे थे, नगर निगम की तरफ से बताया गया कि जो कब्जे हैं उनको हटाने का यहाँ पर काम
जारी है। तो देख सकते हैं आप लाइव सीधी तस्वीरें, जो यहाँ पर छोटे छोटे जो दुकानदार हैं वो परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पहले बैठे घर पे, ठीक है जी, एक साल पीछे छोड़ दिया, और जिसके लोगों को पैसे देने हैं वो हमारे सिर पे आके लोग आत्महत्या ही करेंगे, करेंगे क्या फिर। डेढ़ साल हो गया भैया, ठीक है, कभी लॉकडाउन लग रहा है कभी नहीं लग रहा, रोटी जा रही है सबकी है, तो कहाँ जाए, जेब में पैसा नहीं है एक खाने के लिए। तंग कर रहे हैं कमेटी वाले, परेशान को कमेटी वाले की परेशान कर रहे हैं, परेशान थे। हाँ कमेटी वाला क्या है जी, उसको वो सीम विंडो भी डाली जा रहा है, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं अपने आप भी जी। तो देख सकते हैं आप लाइव सीधी तस्वीरें, जो यहाँ पर जो छोटे रेडी फड़ी वाले जो दुकानदार हैं यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि हम रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, और इस प्रकार से अगर हमारा व्यापार छीन लिया जाएगा तो हमें इस लॉकडाउन के समय मरने का मजबूर हो गया। इस टाइम लोगों को पैसे देने हैं, हमने भी देने और उन्होंने भी देने होंगे, मैंने अकेले नहीं देने खाली जी। कमेटी वाला लोन दो रखा कमेटी ने, वो कहाँ से देंगे, वो कहाँ से देंगे, हम 10,000 रुपए 500 रुपए में लाइसेंस बना रखा उन्होंने, 500 रुपए लाइसेंस के ले रखे, दिखा जा रहा लाइसेंस जाकर वो। तो ये बुजुर्ग कह रहे हैं हमें लाइसेंस भी मिला हुआ है नगर निगम की तरफ से रेडी फड़ी लगाने के नाम का। तो आप मेरा सभी से अनुरोध, जो भी इस खबर को देख रहे हैं लगातार शेयर जरूर कर दीजिएगा। नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनको आदेश मिले हुए हैं इसको जितने भी यहाँ छप्पर लगे हैं उनको उखाड़ने के, पर जो यहाँ के रेडी फड़ी जो कमाने खाने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि हमारे साथ जो नजायज़ हो रही है, हमारे काम को ख़राब किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लाइव सीधी तस्वीरें, क्या क्या है बाबा जी, ये लाइसेंस है 500 रुपये का काट रखे कमेटी वालों ने जी। देख पा रहे हैं क्या कहना है इनका कि 500 रुपये का ये लाइसेंस काट कर मुझे दे रखा है कि मैं यहाँ पर रेडी फड़ी अपनी लगा सकता हूँ, अपना रोजगार कमा सकता हूँ। तो क्या क्या गुहार करेंगे, क्या सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से अपील है हम यहाँ पर उठाए जा जी। तो ये क्या क्या कर गए हैं, कब उठाएंगे इसको? उठा रहे हैं, उठा रहे हैं। हाँ जी, क्या क्या कर गए हैं, कब उठा रहे हैं? आज कह रहे हैं उठाने के लिए। अच्छा, हाँ जी। माता जी क्या कहेंगे, क्या परेशानी आएगी आपको? अच्छा, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं जो रेडी फड़ी यहाँ पर लगाते थे वो भी परेशान हैं कि अब हम क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे, इस प्रकार की परिस्थिति इनको आ जाएगी, क्या गुहार लगाएंगे? और 10,000 हम कहाँ से देंगे लोन के, जब हमारा काम बंद कर दिया जी। हाँ जी, हम लोन कहाँ से भरेंगे इसका? तो ये जो बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर रेडी फड़ी लगाते हैं इनका कहना है कि हम जो लोन है कहाँ से भरेंगे? आप कहाँ रहते हो, रात को कहाँ रहते हो? यहीं रहते हैं जी। कहाँ सोते हैं? यहीं सोते। तो देख सकते हैं आप जो ये बुजुर्ग लोग हैं यहीं पर सो बसर करके अपना गुजारा चलाते हैं, यहीं पर काम करते हैं और यहीं पर रोज की दिहाड़ी मजदूरी कमाने वाले व्यक्ति है। तो मेरा सभी से अनुरोध, जो भी इस खबर को देख रहे हैं लगातार शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं जो बुजुर्ग हैं यहाँ पर, देख सकते हैं बुजुर्ग जो लोग हैं, बुजुर्ग अम्मा जी हैं जो बर्तन झूठे माँजती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं सामान, ये आज भी ये कह रहे हैं कि हमारा जो सामान है खराब हो चुका है, क्या करेंगे अब इसका सामान का? फेंक देंगे जी पीछे, और क्या करेंगे। तो देख सकते हैं आप लाइव सीधी तस्वीरें, मेरे सभी से अनुरोध, जो भी इस खबर को देख रहे हैं लगातार शेयर कर दीजिएगा। जो इस प्रकार की नगर निगम की कार्रवाई है, क्या आपको पहले नोटिस भी मिला था कि ये उठा लो? कोई नोटिस नहीं मिला हमें, कोई नोटिस नहीं मिला जी ना, एक हफ्ते में खाली कर, कोई एक इंच का नोटिस नहीं मिला। अभी आया अचानक से और अभी अपने आप ही आए, अपने आप छुआरे। तो आप देख सकते हैं लाइव सीधी तस्वीरें, जो यहाँ बुजुर्ग हैं जो ये कमाने खाने वाले रोज का जी, बीमार आदमी है, दवाइयाँ खाते हैं, ये दवाइयों के भी पैसे नहीं होते, कहाँ से लाएंगे लोन, कहाँ से जी लोन कहाँ से दूँ हमें? जो कमेटी करने लोन दिया, हाँ 10,000 कमेटी से दे रखे, 500 रुपये इसके लाइसेंस के काट रखे। तो आप देख सकते हैं लाइव सीधी तस्वीरें, मेरा सभी से अनुरोध, जो भी इस खबर को देख रहे हैं लगातार शेयर कर दीजिए। SDM ग्राउंड के सामने की ये ऑन रोड की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं लाइव कि यहाँ पर जो नगर निगम जो कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है, और इन बुजुर्ग लोगों को भी कह दिया गया है कि इसको जल्द से जल्द अभी खाली कर दीजिए। नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि हमें तो आदेश मिले हैं, और नगर निगम के जो कर्मचारी है वो भी यहाँ से कहीं ना कहीं जा चुके हैं आगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मेरा सभी से अनुरोध, जो भी इस खबर को देख रहे हैं लगातार शेयर जरूर कर दीजिए। अब क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे जी आप? बस यही कहना चाहेंगे सर कि अपना रेडी लगाने दी जाए, यहाँ पर काम जो कर रहे हैं जो गरीब बंदे, 1.5 साल हो गए लॉकडाउन ने परेशान किया, ठीक है, इस टाइम कर्जाई हो रखे हैं, तो ये बताओ घर बैठ जाएंगे फिर किसके पैसे कहाँ से देंगे, बताओ मुझे, ये बताओ पैसे कहाँ से आएंगे, जो काम कमाई यहाँ से हो रही है मेरी, अलग से कोई अपना सिस्टम तो है नहीं। 500-700 रुपए रोज बनते हैं, वो भी खोली है,
तो आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, जो यहाँ पर रेडी फड़ी लगाने वाले जो लोग थे वो काफ़ी परेशान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि हमारा एक कंप्लेंट की वजह से यहाँ पर काफ़ी नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मेरा सभी से अनुरोध, जो भी इस खबर को देख रहे हैं लगातार शेयर, क्योंकि अभी नगर निगम के कर्मचारी आए थे तो सभी सामान लेकर के यहाँ से चले गए और हम यही जानने की कोशिश में आए थे कि किसके आदेशों से ये सामान इनका गरीबों का उठाया जा रहा है। तो इसी को देखते हुए हमने बात करने की कोशिश चाही कि हम इनसे आगे बात करेंगे, तो देखा वहाँ कवरेज करने के दौरान ही बीच में जो नगर निगम कर्मचारी है वो यहाँ से निकल चुके हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध, जो भी इस खबर को देख रहे हैं लगातार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब इन बुज़ुर्ग लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, आप देख सकते हैं तस्वीरें कि अब ये बुज़ुर्ग लोग कहाँ पर जाएंगे। अब आप देख पा रहे हैं बुज़ुर्ग लोग अपना डेली का कमाना और डेली का खाना करते थे, यहीं पर ही सोते थे, अब इनको कौन घर देगा और ये कहाँ पर रहेंगे। तो अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।